जॉम्बी बन। आज मेरी गुड़िया मेरे साथ आ रही है, आज के आने सही आती है, लेकिन यहाँ पीछे के पीछे रोड से जा रहे हैं हमारी। देखो इधर का लुक, इधर मंदिर में देखो कितनी भीड़ लगी है, किसी की मुंडी से अभी देखने बैठ गया पीछे। ये मंदिर है इधर माता का, आषाढ़ी एकादशी है। इधर नीचे गड्ढे भी, इधर नहीं देखेगी तो मैं गड्ढे में गिर जाएगी, नीचे देखना भी ज़रूरी है। खुशी आगे आगे भाग रही है, मेरे को पीछे छोड़ दिया कल की तरह ना, क्यों नहीं जा रही है? खुशी की बोल रही मेरा बैग बल भारी हो गया, मैंने बोला मेरे को दे दे, मेरे को भी नहीं दे रही हूँ बैग को, अपने आप लेके जा रही, तो जाने दो। मेरे पास भी एक थैला है, उसमें मैं ब्रेड पनीर दो छतरी है, बस मैं इतनी ही उठा सकती हूँ, मैं भी नहीं उठा सकती हाथ पे क्योंकि मेरा हाथ भी दर्द होता है, तो जाने दो। आगे हम इधर दिल्ली नीर के इधर सत्य कुंज कॉम्प्लेक्स, इधर गणपति बापा का मंदिर है पीछे। अब आ गए हम भूमि बिल्डिंग रिद्धि सिद्धि है, इधर भूमि बिल्डिंग है, इधर आगे हमारे बाजू में हमारी बिल्डिंग है, लेकिन हम पीछे से घूम के जाएंगे। तो देखो इधर इतना अच्छा, आप भी देख रहे होंगे, इसीलिए मैं इधर आई, मैंने बोला थोड़ा आपको भी दिखाती हूँ पीछे का लुक। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है देख के? मोबाइल खींचेंगे पीछे। वहाँ आगे क्या बनाया इन्होंने, ऐसे पूरा बंद कर दिया इधर से। इधर पीछे है तालाब, यानी कि खाड़ी का पानी आता है। ये केले के झाड़ है, ये पाम के झाड़ है, जो खजूर के झाड़ जैसे लगे पीने अच्छे पानी बस। तो बस इधर से दिखाती मैं इधर का एरिया, देखो वाह। तो कैसे लग रहा है आपको? ये है हमारा डेली नीड, दिखने में इतना सुंदर है, दूर से देखो आप कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो इधर मैं सुबह शाम पहले आती थी इधर वो करने के लिए, लेकिन क्या करें अभी टाइम नहीं मिला, बच्चों का सुबह शाम दोनों शिफ्ट का स्कूल हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला अभी थोड़ा बारिश बंद है। तो ये देखो इधर ये खुशी देख कितना आगे चली गई, बादल लगे हैं, बारिश तो नहीं आ रही है लेकिन गर्मी भी हो रही बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब बारिश बंद हो रही है वैसे उमस उमस बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा। हरियाली देखो इधर, इधर देखे भी कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना अच्छा, जैसे ऐसा लग रहा कि जैसे हम गाँव में होंगे। लेकिन मैं हिंदी में बात करता हूँ, ये मुझे कनीसो डाल, कनीसो ना कनीसो डालो। अब बाकी तो ये इन्होंने डाला छो कुनो जो मतलब जमीन तक पकड़ी था यूँ जड़ें, ये तो क्या जी खाड़ी खाड़ी, यानी कि समुद्र है ये समुद्र हमारे बाजू में। जब ज्वार भाटा होता तो ये पूरा पानी रन भरी इधर पर, जितर भी ये पूरी झाड़ी दिखनी है मुड़ी साइड पूरी देख। तो ये इन्होंने डाला छो जो जमीन तक पकड़ी था, मतलब कोई डाला उन्होंने कोई जमीन या उन्होंने पानी ज़्यादा भी तो खिसक जाए। तो ये ऐसे पेड़ हैं जो जमीन को पकड़ के रखते हैं, पानी कितना भी आ ही जाए। ये है डेली नीड, बस ये देखो कितना अच्छा है। तभी तो हम बोलते हैं हम डेली नीड जा रहे हैं घूमने के लिए, ये है डेली नीड। तो आपको कैसे लगा खुशी? इधर से बाबू, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे ना। खुशी का कंधा दुख रहा क्योंकि उसका बैग हो गया भारी। यह जूडियो, इधर जाना था हमने लेकिन नहीं जा रहे, अभी घर पर जाएंगे। खुशी मना कर रही क्योंकि आगे अपने गुड़िया को लेकर घर पे, टाइम हो गया दोपहर का 11:30। मेरे को पीठ पर बैग लगा है, बोलते कि मेरा बैग लेके जा, मेरे को थकान लगी, नहीं मेरे को नहीं लगी थकान, यहाँ से पैदल गई उसको लेने वहाँ तक, वहाँ से पैदल आई अब। तो चलो आ गई घर पे, जाती हूँ मैं किचन में। आगे हम अपने प्यारे से किचन में बनाते हैं दोपहर का लंच, लंच में देखो क्या बनाते हैं, अभी डिसाइड क्या क्या बनाते हैं, देखते खाने में क्या बनाते हैं। पहले खुशी को इडली देती हूँ, इडली दिखाते हैं, आज मैंने इडली बनाई तो कैसी बनी है आप ही देखना। ये है इडली कैसी बनी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये है चटनी, नारियल की चटनी है। लगता है आज वीडियो मुश्किल बना पाएगी क्योंकि यानी जो काम लगा के कितनी आवाज़ आ रही मशीन की, देखते हैं जितना भी दिखा पाएगी इडली। तो दोपहर का मतलब खाना बना रही हूँ किचन में, आप बने रहे मेरे साथ।
ये है मेथी, मेथी की भाजी बना रही हूँ मैं। इधर रख दिया मैंने पतीली में भात रखा और उसमें दाल रख दिया प्रेशर में। तो मैंने भाजी बनाने बैठ गई हूँ ना, सीधा मेरा भात निकल गया है और दाल भी बॉयल हो गई है। भाजी के लिए मैंने कांदा डाल दिया चूल्हे में, कांदा यानी कि प्याज को थोड़ा लाल करती हूँ। मेथी की भाजी बना रही है घी में, देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने घी डाला है, उसमें थोड़ा कांदा में लगाई हूँ और हरी मिर्च और कांदा। लाल होगा तो इसमें मसाला डालेगी। और इधर मेरा भात बन गया है, प्याज लाल हो गया है, इसमें थोड़ा मैं मसाला डालती हूँ स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हल्दी गिरी भी गई, चलता है इतनी। मसाला बन गया है, हमें डालेंगे इसमें मेथी। ट्यूशन से आते आते हमको लेट हो गया, 12:30 को नहीं एक हो गया था घर में आते आते। तो उसको चीने इडली खाई मैंने, सुबह इडली बनाई थी उन्होंने, इडली खाई हम दोनों के लिए है। दाल भात और भाजी रोटी बस। अब इसमें ढक्कन मार देती हूँ, इसमें थोड़ा सा घी डाली हूँ बस। भाजी रख दी मैंने, इसमें मसाला रख डाल दिया है। अब इसमें मैं ढक्कन रखेगी बस, 10-15 मिनट में हो जाएगी। इधर भात बन गया है तो गैस को मैं बंद कर देगी। बंद कर दीजिए रूम में गैस का, ही फ्लाइन लग रही है तो वो इतनी आवाज़ आ रही है मेरी से ज़्यादा, वो बाहर की आवाज़ आ रही है। देखती हूँ अगर दिखा पाएगी क्लिप तो ठीक है, नहीं तो बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अब बनाती हूँ मैं दाल में मसाले। तेल गरम हो गया इधर, तो मसाला बनाती हूँ राइट वाला। हींग भी डाल दिया, बिना हींग का बनाती हूँ। मिर्ची में छोटे सीधे मेरे हाथ में तेल उछल के आ रहा है। मसाले में डाल दिया, कांदा काटा है, हरा धनिया है, तो कांदे को डालते पहले थोड़ा इसको ऐसे हिलाएंगे, सबसे बार लाल हो जाएगा कांदा, उसके बाद इसे मसाला डालेंगे। जब तक ये लाल ना तब तक थोड़े इसको थोड़ा मसाले मिक्स कर दिया है। मैं जब तक ये पकते हैं खाने तब तक मैं घर सफाई करती हूँ। चौका बोलते चौका क्लीन होना चाहिए, पहले चौके को क्लीन करती हूँ क्योंकि मैंने भाजी साफ करी है, कांदा काटा है, लहसुन छिला है, धनिया छिला है, उसको साफ करती हूँ। ब्याह में मेरे कमर पर होनी बहुत कमर पर ब्याह कर, इसलिए ब्याह में देगी चुपर था मैं एक बार कमो समझ लग गया।
इसको क्या डालूंगी भाई, एक बीज भी किया मैं बोलूँ खुशबू क्या हुआ। मेरा खाना खाने में दाल बनाए मेथी की भाजी, रात इडली है और रोटी है। चलो खाना खाते हैं।